दोस्तों कैसे हो आप सब। बहुत बड़ी अपडेट आई है सलमान भाईजान के लिए। हाँ दोस्तों, सलमान भाईजान के फ़ैन के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है सलमान खान की अपकमिंग मूवी को लेकर। सलमान खान ने एक और मूवी की तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। चैनल पर नए बैठ के तो सब्सक्राइब कर लेना, और भाई बॉलीवुड से हर छोटी बड़ी अपडेट आपको इस चैनल मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आइए बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सलमान भाईजान की मूवी को लेकर तो अभी चर्चा बनी हुई है, लेकिन एक और मूवी का नाम सामने आइए बता दे दोस्तों, राजकुमार गुप्ता। हाँ दोस्तों, राजकुमार गुप्ता की मूवी की ब्लैक टाइगर, ये आपको पता ही होगा, जो कि पहले ऋतिक रोशन करने वाले थे, लेकिन अब सलमान भाईजान का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन नहीं, अब कि इसमें सलमान भाईजान इसमें होने वाले हैं, और राजकुमार गुप्ता ने इनको माइंड में रखकर ही स्क्रिप्ट को बनाई है। और इसकी स्क्रिप्ट की जो है, इसकी स्क्रिप्ट की काम कंप्लीट हो चुकी है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और अभी राजकुमार गुप्ता की टीम और सलमान भाईजान की टीम में मीटिंग चल रही है, और बता दे पिंक बिल्ला के हिसाब से माने तो इन लोग की अभी 3-4 मीटिंग हुई है, और इन लोग के बीच में अभी बात चल रहा है। और अगर बात करें इस मूवीज को लेकर, तो इस मूवीज का नाम चेंज हो सकता है ब्लैक टाइगर का जगह, क्योंकि सलमान भाईजान ने पहले भी टाइगर का रोल प्ले किए, जो कि उनकी काफ़ी बड़ी फ्रेंचाइज है, तो इस वजह से इसका टाइटल चेंज हो सकता है। लेकिन हाँ, राजकुमार गुप्ता इनके साथ मूवी करने वाले हैं। अगर सब कुछ सही होता है तो 2 महीने में इसका प्री प्रोडक्शन काम स्टार्ट कर दी जाएगी, ऐसी बताई जा रही। तो भाई ये जो अपडेट है, ये काफ़ी बड़ी अपडेट है, और ब्लैक टाइगर में सलमान भाईजान हमें कितना एक्शन थ्रिलर मूवी, पूरी की पूरी एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जो ये काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो इस बारे में आप लोग राय क्या, कमेंट बताओ, वीडियो पॉइंट लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय।